Hi guys, till now we have discussed about reflection. Now we are going to learn about refraction. Flashback करते हैं, reflection क्या था, reflection की definition क्या थी. When incident rays are incident on reflecting surface, then after incidence, all incident rays are reflected इन सेम मीडियम. तो ये था रिफ्लेक्शन. जैसे डायग्राम में दिखाया है, इंसिडेंट रेज है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मानो एक प्लेन मिरर ही सपोज कर लेते हैं. वहाँ पे एक रेज है, इंसिडेंट हो रहा है, ये हमारा इंसिडेंट पॉइंट है, वहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे थे. इंसिडेंट रेज का नॉर्मल के साथ एंगल है, दिस एंगल इज नोन एज इंसिडेंस एंगल. और एक रूल्स भी पढ़ा था हमने, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. बाय प्रैक्टिकल इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल. रिफ्लेक्टेड एंगल किसको बोलते थे, रिफ्लेक्टेड रेज का नॉर्मल के साथ जो एंगल है, ये जो एंगल है वो था हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल. इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्टिंग एंगल दोनों क्या होता है, सेम होते हैं. तो जो मीडियम था, वो मीडियम पहले तो हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम था, रेज उसी मीडियम में रिफ्लेक्शन के बाद वापस आता है. लेकिन सोचो, अगर मेरी सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, मानो एक ग्लास है मेरे पास, अगर मैं पेन रख दूँ वहाँ पे, तो आपको क्या नज़र आता है, जो ग्लास में जो पेन है वो थोड़ी शिफ्ट नज़र आती है, इस साइड पे थोड़ी शिफ्ट नज़र आती है. अगर आप ऐसा एक प्रैक्टिकल कर सकते हो घर पे, इस ग्लास में पानी भर दो, यहाँ पे पेन रख दो और यहाँ से आप उसको ऑब्जर्व करो. पानी में जो पेन है, जितना पार्ट पानी में है उतना लेफ्ट या राइट साइड कहीं पे आपको शिफ्ट नज़र आएगा. तो इसके पीछे रीज़न क्या है, अगर मेरे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है तब की हम बात कर रहे हैं. वो जो हो रहा है वो है रिफ्रैक्शन. तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रिफ्रैक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन. क्या है रिफ्रैक्शन, उसके लिए मेरे पास एक रेरर मीडियम है और एक मीडियम है डेंसर मीडियम है. फॉर एग्जांपल एक ग्लास ही ले लेते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं इंटरफेस. जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है ये एक सरफेस है, जिसको हमने सिर्फ 2D डायग्राम में ड्रॉ किया हुआ है. नीचे पानी है, ऊपर है वो है एयर का मीडियम. एयर के मीडियम में जो लाइट ट्रैवल कर रही है, लाइट है तो ट्रैवल तो करेगी, उसकी स्पीड है वो है मानो V1. और जो पानी में उसको ट्रैवल करना है तब उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, क्योंकि मीडियम है और डेंसर मीडियम है. रेरर एंड डेंसर वर्ड किसके लिए है, वो डिपेंड्स है ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंपैरिजन है. पानी की कंपैरिजन में एयर है वो एक रेरर मीडियम है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो हम आगे देखते हैं, इसी वीडियो में आगे देखते हैं. तो जो रेरर मीडियम है उसमें स्पीड ज़्यादा होती है, डेंसर में स्पीड है वो कम होती है. जब एक इंसिडेंट रेज इस इंटरफेस पे इंसिडेंट होता है तो ये हमारा इंसिडेंट पॉइंट. सेम जैसे रिफ्लेक्शन में कर रहे थे वैसे ही, इंसिडेंट पॉइंट पे हमने क्या ड्रॉ किया था, नॉर्मल. सेम वे हियर दिस इज इंसिडेंट पॉइंट और ये है सरफेस के साथ 90 के एंगल पे एक लाइन, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल. तो ये है हमारा एक नॉर्मल. जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है, बाउंस बैक नहीं होती, थोड़ी बहुत होगी, जो थोड़ी बहुत होती है वो है रिफ्लेक्शन. हम उसकी बात नहीं कर रहे फिलहाल, हम जो बात करने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन. जो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है हम उसकी बात कर रहे हैं. तो डायरेक्शन है कुछ चेंज होती है. अगर पानी नहीं होता तो लाइट कहाँ जाती, तो लाइट कैसे ट्रैवल कर रही होती. ये जब पानी नहीं है, सेम मीडियम है, मीडियम चेंज नहीं होता है, तब लाइट ट्रैवल कर रही है, ये जो डॉटेड लाइन है उस पाथ पे आगे बढ़ेगी. लेकिन बिकॉज ऑफ चेंज इन मीडियम लाइट ट्रैवल्स थ्रू दिस पाथ, ये जो हमारा पाथ है वो. तो पता कैसे चलेगा लाइट है वो नॉर्मल की तरफ आ रही है या नॉर्मल से दूर जा रही है. देखो यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ की है, लाइट है वो नॉर्मल की ओर आ रही है, बेंड हो रही है टूवर्ड्स दी नॉर्मल. तो पता कैसे चलेगा लाइन जो है, जो लाइट है रिफ्रैक्शन के बाद, यहाँ पे जो हो रहा है वो है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद बेंड्स टूवर्ड दी नॉर्मल है या अवे फ्रॉम दी नॉर्मल.
वो डिपेंड करता है लाइट रेरर में से डेंसर में जा रही है या डेंसर में से रेरर में जा रही है, जिसको हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर्स obliquely from one transparent medium। obliquely का मीनिंग क्या है? लाइट जो है ऐसे नहीं आनी चाहिए, सरफेस के साथ उसका 90 का एंगल नहीं होना चाहिए। जो हमारी इंटरफेस, इंटरफेस क्या है, दो मीडियम को सेपरेट कर रही है वो लाइन है, ऐसे नहीं होनी चाहिए, टेढ़ी होनी चाहिए कुछ ऐसी, ऐसे भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब मीडियम चेंज ही नहीं होता तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अगर ऐसे लाइन आएगी तो मीडियम चेंज ही नहीं होता, ऐसे इंटरफेस पे आगे बढ़ जाएगी, है ना। तो कुछ ऐसा ऐसे भी नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसे होगा फिर भी लाइन है, लाइट जो रे है वो डायरेक्ट ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा, उसके बीच में कहीं पर होना चाहिए। तो रिफ्रैक्शन जब होता है तब याद रखो बच्चों, जो एंगल है हमारा इंसिडेंस एंगल, ये जो एंगल है हमारा वो है इंसिडेंस एंगल, और जो रिफ्रैक्टेड रेज का जो एंगल है ये है रिफ्रैक्टेड एंगल। सेम वे जैसे इंसिडेंट, जैसे रिफ्लेक्शन में बात कर रहे थे वैसे ही। तो कंडीशन है रिफ्रैक्शन होने की, जो एंगल है हमारा वो 0 से लेकर 90 के बीच में होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट्स डायरेक्शन चेंजेस एट द सरफेस और इंटरफेस। सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया और मीडियम, दिस फिनोमेनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने रिफ्लेक्शन में देखा था जो हमारा इंसिडेंट रेज है वो, ये जो इंसिडेंट पॉइंट है वहां पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया था, और जो रिफ्लेक्टिंग रेज है यानी ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। एक भी रेज है वो प्लेन के बाहर नहीं होगा कुछ ऐसे, ये प्लेन के बाहर है, एक ही प्लेन में होना चाहिए। सेम वे यहाँ पर भी वही है, इंसिडेंट रेज हमने जहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया है इंसिडेंट पॉइंट पे वो, और जो हमारा रिफ्रैक्टिंग रेज है तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन में। यहाँ से देखो तो एक ही लाइन नजर आएगी आपको, ऐसा नहीं होगा प्लेन से बाहर नहीं होगा, एक भी लाइन है वो प्लेन से ऐसे बाहर नहीं होगी, एक ही प्लेन में होता है। ये सब प्रैक्टिकली बातें, प्रैक्टिकल से ये सब पता चलता है हमें। तो हमारा जो फर्स्ट लॉ है नोट कर लेते हैं हम, आप भी नोट कर लेना। तो इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, मीन्स ये तीनों इंसिडेंट रेस, नॉर्मल और हमारा रिफ्रैक्टेड रेस, एंड नॉर्मल ड्रॉन टू द
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर इन द सेम प्लेन। ओके, जैसे प्रैक्टिकली रिफ्लेक्शन में पता चल रहा था, इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड एंगल है वो सेम होता है, सेम। वैसे एक फिजिसिस्ट है, नेम है उसका स्नेल, उसने एक हमें लॉ दिया है, प्रैक्टिकली बातें हैं फिर ये भी। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ टू द साइन ऑफ टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द गिवन पेयर ऑफ कलर एंड मीडियम इज कॉन्स्टेंट। कहने का मीनिंग है, अगर आप लाइट रेज जो हमारा है वो रेड कलर का है, और जो मीडियम की जो पेयर है वो एयर और पानी है, वाटर है, तो उसके लिए जो आपको ये रेशियो मिलेगा साइन आई अपॉन साइन आर रेड कलर का, वो ऑलवेज एक कॉन्स्टेंट ही होगा, वो ऑलवेज एक कॉन्स्टेंट ही होगा। मीन्स ये जो पेयर है सपोज रेड कलर की है, तो उसका साइन किसका साइन, देखो साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो रेशियो है वो ऑलवेज क्या होगा, एक कांस्टेंट ही मिलेगा, वो में ऑलवेज एक कांस्टेंट ही मिलता है। ये जो कांस्टेंट है उसको बोलते हैं दिस कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो कॉन्स्टेंट है हमारा वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो हमने आगे बात की थी, वो एक यूनिटलेस एक नंबर है, वो एक यूनिटलेस नंबर है। फॉर एग्जाम्पल जो पानी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.33 या फिर 4/3, और एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम नॉर्मली लेते हैं वो है 1, तो 1 है वो 1.33 से छोटा है। इसके लिए एयर को वाटर की कंपैरिजन में रेयरर मीडियम कहा जाता है, और जो वाटर है वो एयर की कंपैरिजन में डेंसर मीडियम है। तो ऑलवेज अगर ये मीडियम की जो पेयर है आपकी और कलर तीनों फिक्स है, तो उसके लिए नंबर है वो फिक्स होगा। अगर रेड की जगह पे येलो लाइट कर दो और पानी वाटर की ही पेयर रखो, तो भी एक कांस्टेंट है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो इस वीडियो में यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से।